विश्व का सबसे बड़ा बांध चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम है। यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। यह यांगती नदी पर बना है। इस बांध को बनाने में $37 बिलियन 2,72,823 लाख करोड़ की लागत आई है। इस बांध की ऊंचाई 185 मीटर व लंबाई 2.33 किलोमीटर है। इसे बनाने में 18 साल लगे। यह 1994 में शुरू हुआ व 2012 में तैयार हुआ था। इस बांध में 32 टरबाइन हैं, जिनसे 22,500 मेगावाट बिजली पैदा होती है। यह बिजली इतनी है कि अमेरिका के होवर डैम से 11 गुना ज़्यादा है। इस बांध को बनाने में 4,63,000 टन स्टील का प्रयोग हुआ है। इतने स्टील से 63 एफिल टावर का निर्माण हो सकता है। इस बांध से बना जलाशय 632 वर्ग किलोमीटर का है। इस बांध से 31 मिलियन टन कोयले की बचत होगी और पर्यावरण में काफ़ी सुधार भी होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम उत्सर्जित होगी। इस बांध में इकट्ठा किया गया 42 बिलियन टन पानी 175 मीटर की ऊंचाई तक भरा है। इतने पानी की वजह से पृथ्वी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोले तो जड़त्वा घूर्णन, प्रभावित हो गया है। इसकी वजह से पृथ्वी की घूमने की गति भी कुछ धीमी पड़ गई है। इसके कारण दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड बड़ा हो गया है। मतलब अब दिन कुछ बड़ा हो गया है और रात छोटी हो गई है। इसके कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं और वहाँ पर पृथ्वी गोल ना रह के चपटी हो गई है। मतलब इसके कारण हर जगह असर हुआ है। इस बांध को बनाने के लिए 13 शहर, 140 कस्बे और 1600 से अधिक गांव के 13 लाख लोगों को दूसरी जगह बसाना पड़ा। मतलब उनके लिए अलग से जगह देनी पड़ी बसने के लिए। इस बांध के कारण भारत पर भी असर हुआ है या होने की संभावना है। ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत की मुख्य नदी मानी जाती है, उसका जलस्तर इस बांध के कारण काफ़ी नीचे गिर जाएगा और पानी में नमक का स्तर बढ़ जाएगा। यह भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। जितना बड़ा बांध उतनी बड़ी तबाही लेकर आ सकता है, ये तो सबको पता है। क्योंकि यदि भगवान ना चाहे कभी ये टूट जाएगा भविष्य में, तो हम इसके नुकसान की तुलना कर ही नहीं सकते कि कितना नुकसान यह बांध कर सकता है। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो चाहिए। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और शेयर करते रहिए। नमस्ते।